गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिस इज हार्दिक कपाड़िया, आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आचार्य पे। अब एग्जाम आचार्य के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ में आप लोगों को बता दूं, तो एग्जाम आचार्य जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करता है, मेजरली इन टेक्निकल एज वेल एज इन नॉन टेक्निकल। अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो हम लोग एसोसिएटेड है पिछले कई सालों से द गेट अकेडमी। बहुत नेशनल लेवल पे वेल नोन ब्रांड है फॉर गेट प्रिपरेशन इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ तो हम लोग सालों से है। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ही एक और एग्जाम आता है गुजरात स्टेट लेवल पे, दैट इज जीपीएससी के एग्जाम या जीडब्ल्यूएसएसबी के एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनका प्रिपरेशन भी हम लोग एग्जाम आचार्य के अंडर में बहुत थर्ली कराते हैं, है ना। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराया, बहुत सारे इंजीनियर्स जो है वो हमारे अंडर में अच्छे अच्छे क्लास टू एंड क्लास वन ऑफिसर्स के पोजिशन पे पहुंच चुके हैं। अब आज जो है मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ उन लोगों के लिए जो पहली बार सोच रहे हैं जीपीएससी लेने का या जीपीएससी के लिए प्रिपेयर करने का या जीपीएससी का एग्जाम देने का, जो पहली बार फर्स्ट टाइम ये सोच रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि भाई अभी जीडब्ल्यूएसएसबी का क्लास टू ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर का क्लास टू ऑफिसर वाला जॉब आया है, अब उसका वेकेंसी तो आ चुका है। अब काफी स्टूडेंट्स के मेरे पे कॉल आए, मैसेजेस आए कि सर फॉर्म कैसे भरना होता है, बहुत बेसिक सी चीज है यार, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है। तो हम लोग बहुत ही बेसिक से ही शुरू करते हैं। इसका दूसरा वीडियो आएगा कि भाई इसमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, सैलरी ये क्या है, पैकेजेस क्या है, उसके डीए क्या है, एचआरए क्या है, ये सारा सारा इन डिटेल भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए हम लोग फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, जिन जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, प्लीज ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल पे चले आइए, गूगल पे ओजास स्पेस जीपीएससी टाइप कीजिए। जैसे ही आपको पहला ये दिखेगा कि भाई gpsc-ojas.gujarat.gov.in, उस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो आप सीधे सीधे ओजास के साइट पे पहुंच जाते हो। अब जैसे ही ओजास के साइट पे जाते हो आप, यहाँ पे सबसे पहला आपको दिख जाएगा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, अप्लाई पे जाके क्लिक कर देना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना है, अप्लाई पे जाके क्लिक कर देना है। आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कौन से एग्जाम जो है वो अभी आए हुए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास टू जीडब्ल्यूएसएसबी। यही एग्जाम 31 तारीख लास्ट डेट है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दीजिएगा। अब अपन यहाँ पे डिटेल्स भी दिया गया है और यहाँ पे अप्लाई भी दिया गया है। तो सबसे पहले तो अगर आपने कुछ भी नहीं पता है और कुछ भी देखा नहीं है तो डिटेल्स पहले नोट डाउन कर लीजिए, डिटेल्स पे चले जाइए और शांति से डिटेल्स को एक बार देख लीजिए। अगर आपने डिटेल्स देख लिया, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो अगर डिटेल्स आपने देख लिया है तो सीधा सीधा आपको जाना है अप्लाई पे। अब जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा ब्रीफ में डिटेल दिया गया है, पहला नंबर का वेकेंसी है ये GPSC/00202122 and 1 2021-22 पहला नंबर का वेकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास टू ऑफिसर GWSSB। यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे तो भाई पे स्केल दिया हुआ है 44,900 से लेके 1,42,400 तक का, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। कितनी वैकेंसीज आई है, तो 41 वैकेंसीज आई है, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 27, एससीबीसी के लिए 29, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 19 और फिजिकल हैंडीकेप के लिए 5 एंड एक्स सर्विसमैन का 1 वैकेंसी दिया हुआ है। अब फीमेल रिजर्वेशन आप देखोगे 33% का फीमेल रिजर्वेशन होता है। तो जितनी भी लड़कियां मेरे को सुन रही है भाई, आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स आते हैं उन सब में 33% वैकेंसीज होते हैं फीमेल रिजर्वेशन। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपको कम मेहनत में, एक्चुअली मेहनत कम करना ही नहीं, हमको भी उतना ही मेहनत करना है जितना लड़के कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिजर्वेशन कैटेगरी भी यहाँ पे अप्लाई होता है, कोटा अप्लाई होता है फीमेल का। तो बहुत अच्छी चीज है ये, जम के मेहनत कीजिए और सारी की सारी सीट पे अपना कब्जा जमा लीजिए। चलिए तो ये हो गया, अभी आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। एक और चीज था मिनिमम एज का क्राइटेरिया, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। 21 साल से लेके 35 साल के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका एज जो है वो 21 इयर्स के ऊपर चला जा चुका है तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पे जैसे ही अप्लाई पे आप क्लिक करते हो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अप्लाई विथ OTR, स्किप, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको अगर आप पहली बार कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो इसमें कुछ भी नया नहीं लगेगा आपको, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हो
कुछ डिटेल आपको दिए गए हैं, ये डिटेल आपको आराम से पढ़ लेना है, क्योंकि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो भाई ये डिटेल आपको काम में लगेगा। अगर नहीं भी पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे मैं डिटेल में आपको समझाने ही वाला हूँ। जैसे ही मैंने आई एग्री पे क्लिक किया, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, है ना। तो आपका फॉर्म ओपन हुआ, ऑलरेडी मैं एक बार भर चुका हूं इसलिए मेरा डिटेल ऑलरेडी वहां पे दिखेगा। कपाड़िया हार्दिक, कांति भाई एंड मधु बहन, मेरे फैमिली डिटेल्स ऑलरेडी वहां पे डाले हुए, आपके नहीं आएंगे क्योंकि आपका अभी वहां पे नहीं दिखेगा, ठीक है। 02121999, ठीक है, क्योंकि अपन 2000 के ऊपर नहीं भर पाएंगे, इसलिए मैं 1999 रख रहा हूँ। अभी एज तो मेरी काफी बड़ी है, लेकिन आप लोगों के लिए क्योंकि फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अनमैरिड कर दिया मैंने यहाँ पे, जनरल कैटेगरी डाल दिया है मैंने। जनरल कैटेगरी के बाद आपको पोस्टल एड्रेस आपका डालना है, तो मैंने डाल दिया अभी पोस्टल एड्रेस, गुजरात आ चुका है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है तो डिस्ट्रिक्ट आएगा वडोदरा। वडोदरा डालने के बाद थोड़ा रुकना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उसके रीजन लेगा तो तालुका अपने आप सिलेक्ट करेगा, तो थोड़ा जल्दी मत कीजिएगा, थोड़ा रुकिएगा। गुजरात वडोदरा डाल दिया मैंने, पिन कोड ऑलरेडी आ गया आपका, अगर नहीं आता है तो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए मैं किसी और का डाल रहा हूँ। चलिए नंबर मैंने डाल दिया है, अब वापस से एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। वडोदरा डालोगे फिर थोड़ा रुकोगे, क्योंकि तालुका सिलेक्ट करेगा ये। तालुका सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वापस से आपको नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस पे आप लोग आपको डाल देना है अपना ईमेल आईडी। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ info@examacharya.in, इंडियन नेशनलिटी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे रमत गमत ना गुड़ पूछा छे, एनो मतलब के आप अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हो और स्पोर्ट्स में आप नेशनल लेवल पे जा चुके हो, तो स्पोर्ट्स कोटा पे अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेबल है तो आप स्पोर्ट कोटा पे अप्लाई कर सकते हो। आपको दूसरे उसमें फिजिकली चैलेंज अगर आप नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है, ठीक है। विडो अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है, अगर आप हो तो यस पे क्लिक करना है, फिर आपको विडो सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। एक्स सोल्जर अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है, अगर आप हो तो यस पे क्लिक करके आपको सारे के सारे ये डिटेल्स भी भरने पड़ेंगे, ठीक है। करंटली वर्किंग एज एन गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नहीं है तो नो पे क्लिक करो। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी एंड गुजराती लैंग्वेज अगर आपको आती है एज एन इंजीनियर, उतना तो आता ही होगा आई होप, तो तीनों पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करनी है, ध्यान में रखिएगा फोटो जो है आपका 15 KB से कम होना चाहिए, और साइन भी आपका 15 KB से कम होना चाहिए, तो उसको पहले ही एडिट करके 15 KB से कम में करके रख दो। मैं अपना फोटो ऑलरेडी करके रखा हूँ, 15 KB में कर दिया ताकि मेरा फोटो सीधा सीधा अपलोड हो चुका है। यहाँ पे मेरा सिग्नेचर भी मैं ऑलरेडी 15 KB से कम में करके रखा हूँ, तो वो भी अपलोड हो जाएगा। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गया है, अब यस पे क्लिक करेंगे अपन और सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा और मुझे ओटीपी सेंड करने को पूछेगा। ठीक है, ओटीपी डिलीवर होगा आपने जो मोबाइल रजिस्टर किया है उसके ऊपर, 514857, ठीक है। चलिए डाल दिया मैंने ओटीपी, तो यहाँ पे आपको ओटीआर मिला है, ठीक है। ओटीआर आपको मोबाइल पे मैसेज भी आ चुका होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल पे आपको मैसेज जो है वो थोड़ा लेट आता है, तो आपको क्या करना है, अपना मोबाइल लेना है, मोबाइल लेके इसका फोटो खींच लेना है, इसका फोटो खींच के साइड पे रख दो, ताकि अगर मोबाइल पे ओटीपी नहीं भी आया, ओटीआर नहीं भी आया तो भी टेंशन नहीं अपने को। अब क्या करना है, आपके पास ओटीआर आ चुका है, ये OTR को कॉपी करके रख लो और वापस से ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाके अप्लाई पे चलो। अब जैसे ही अप्लाई पे जाते हो वापस से आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, अब जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, अब अप्लाई नाउ पे जाके आपको OTR से वापस से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। मैंने डाला OTR, अब मैं डालूंगा मेरा बर्थडे,
तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा अप्लाई विद ओटीआर करना है। जैसे ही अप्लाई विद ओटीआर किया भाई, मेरा पूरा पूरा फॉर्म जो मैं अभी तक भर चुका था वो सारा सारा आपको दिखेगा। यहाँ पे पूरा फॉर्म मेरा दिख रहा है ना। तो मैंने जितना जितना भरा एक बार वापस से पूरा चेक करते जाना है आपको कि भाई कहीं कोई गलती तो नहीं है। अब पूरा फॉर्म मेरे को दिखने के बाद नीचे मुझे दिखेगा एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स ऑब्वियसली आप बीई या बीटेक सिविल इंजीनियर होने चाहिए, है ना। आपके परसेंटेज तो मैंने अपने परसेंटेज डाल दिया 78, जो भी है आपका ए ग्रेड था मेरा, ठीक है। क्लास तो डिस्टिंक्शन था। बोर्ड ऑफ एग्जाम तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, जीटीयू हो सकता है, एमएस यूनिवर्सिटी हो सकता है, एमएस यूनिवर्सिटी डाल दिया। पासिंग ईयर 2020, ठीक है। तो ये डाल के मैंने आगे बढ़ा। तो एजुकेशनल डिटेल, अगर आपने एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है, कोई आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी इस पे, या पीजी डिप्लोमा किया हुआ है, या आपने एमटेक किया हुआ है, जो भी अगर आपका एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ आप डाल सकते हो। अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक रहने दीजिएगा, कोई मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन एश्योरेंस आपने दे दिया। एश्योरेंस देने के बाद आपने सीधा सीधा यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको मिल चुका है अब कंफर्मेशन नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज फार एज योर रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न। कंफर्मेशन नंबर का भी एक फोटो ले लीजिए। ये जितने जितने मैं बोल रहा हूं उन सबके फोटोज लेते जाइएगा भाई। भले ही आपको वैसे तो मेल में या एसएमएस में ये सारी चीजें मिलने वाली है, लेकिन फिर भी इसका साथ साथ में फोटो लेते जाइएगा। चलिए, आपने अपना फोटो वन कंफर्मेशन नंबर का कर दिया है। अब आप प्रिंट एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो और अपना पूरा पूरा एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हो। हमको कहाँ जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट करके पे फीस, क्योंकि अभी फीस पे करना बाकी है। तो वापस से हम लोग एग्जाम पे क्लिक करेंगे, वापस से हमारा कंफर्मेशन नंबर डालेंगे जिसका हमने ऑलरेडी फोटो लेके रखा हुआ है 5377710072। अब आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल दीजिए 02121999, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो ऑनलाइन पेमेंट पे चले जाओ। अगर आप चालान थ्रू बैंक जाके चालान ये करना चाहते हो तो उस पे चले जाओ। लेकिन अभी तो गूगल पे फोन पे सब कुछ हो गया है, आपके पास डेबिट कार्ड भी होगा, तो सीधा सीधा ऑनलाइन पेमेंट पे चले जाओ भाई। 100 रुपए आपको मांगे तो 100 रुपए भरने। यहाँ पे सबमिट किया मैंने। सबमिट करने के बाद आपको बैंक डिटेल पूछेगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग के चाह रहे हो तो नेट बैंकिंग से, अगर आपके पास SBI का नेट बैंकिंग ID एंड पासवर्ड है तो वहां से चले जाओ, अदर बैंक का है तो यहाँ पे चले जाओ। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे रुपे कार्ड ही अवेलेबल है अदर बैंक डेबिट कार्ड में, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में चले जाओ और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर लो या तो फिर आप इसके थ्रू कर लो। इससे आगे मैं अपने ऑब्वियसली बैंक डिटेल नहीं देने वाला, तो आप अपने हिसाब से बैंक डिटेल से कर लीजिएगा। जैसे आप बैंक डिटेल से पेमेंट कर लेते हो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो भाई आप लोगों को मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो बहुत जल्दी जाइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिए। बैच शुरू हो चुका है, तो आपको अगर बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के बाद आपको हमारे सेंटर का एड्रेस एंड मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, उस पर फोन करके आप सीधा सीधा पता कर सकते हो, ठीक है भाई। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।